This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. A18 खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना वजीर सेहत एटला राजेंद्र ने जुमेरात के रोज को मीडिया से बात करते हुए कहा, कोविड-19 वबाई बीमारी की दूसरी लहर से टिमटिमाने के लिए तेलंगाना हुकूमत लॉकडाउन पर गौर नहीं कर रही है। मजीद बताया, हम रियासत में लॉकडाउन नाफिज करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसके बावजूद मरकज को पूरे मुल्क में सेहत की इमरजेंसी के ऐलान पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, जिससे मुस्बत अफराद खुसूसन बीजेपी के इख्तदार रियासतों में दस्तियाब सेहत की सहूलतें और बेहतरी आ सके। मरकज ने दूसरी लहर के बारे में हमें आगाह किया, लेकिन इसकी शिद्दत के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। ये बात वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत के बारे में मरकजी हुकूमत को कोई अंदाज़ा नहीं था। यही वजह है कि इसीलिए इंतखाबात और कुंभ मेला जैसे इंतहाई फैलाव वाले प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी की थी। वजीरे सेहत एटला राजेंद्र ने रियासत के कोरोना मरीजों जो घर पर आइसोलेशन में हैं, उन्हें 3 से 4 दिन के बाद कोरोना का टेस्ट करवाने का मशवरा दिया, जिससे पता लगाया जा सके कि मरीज नाजुक हालत में जा रहा है या नहीं। 29 अप्रैल बरोजे जुमेरात भारत में कोविड-19 के 3,79,257 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए, जिनमें 3,645 अमवात हुई। अमेरिका के एक लेवल 4 ट्रैवल हेल्थ ने नोटिस जारी करते हुए अपने शहरियों को कहा, कोरोना से सेफ्टी के लिए जल्द अज जल्द हिंदुस्तान छोड़ दे। एडवाइज़र ने कहा, कोविड-19 के इजाफे के पेश नज़र हिंदुस्तान में तबी देखभाल तक रियासी शदीद हद तक महदूद हो गई है, और अमेरिकी शहरियों पर जोर दिया कि बरह रास्त व परवाज़ों का इंतखाब करें। हैदराबाद टैक्स फोर्स पुलिस ने ड्रग्स कंट्रोल अहदेदारों के साथ गोलकुंडा में वाक़े आयशा इंटरप्राइजेस पर छापा मारते हुए बिना वैलिड परमिशन सिलेंडर फरोख्त करने वाले अब्दुल करीम को गिरफ्तार करते हुए सिलेंडर्स को जब्त कर लिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगल को रियासती हुकूमत ने कोविड-19 से मुतासरीन की हलाकतों की असल तादाद को छुपाने को गलत कहा और कोविड के तमाम तफसीलात इंकशाफ करने की हिदायत दी। हाई कोर्ट के जजों ने मजीद कहा, तदफीन की बुनियादें हकीकी तस्वीर पेश कर रही है। एडवोकेट जनरल बीएस प्रसाद से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस बेंच हेमा कोहली और जस्टिस बी विजयसन रेड्डी ने कहा, अगर रियासत ने कोविड से होने वाली अमवात की तादाद को छुपाने का इरादा लोगों में कोविड से खौफ और हरस से दूर रखना है तो शायद मजीद काम नहीं करेगा। मजीद कहा, अवाम को संगीन हकीकत बताए तब वो कोविड से बचाव के एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना शुरू करेगी और मयारात पर अमल करेगी। इससे हमें कोविड केसेस कर्व को कम करने में मदद मिलेगी। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर पर होने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजा दुरुस्त नहीं आए। चीफ मिनिस्टर केसीआर को अगले 2 से 3 दिन में दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। ज़ाफ़रान मताम अल अरबिक की जानिब से रमजान में रोजदारों के लिए पेश करते हैं रमजान स्पेशल हलीम, प्योर मटन 4 गोशा असली घी में तरबतर ड्राई फ्रूट्स के साथ जायकेदार हलीम।